हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है हमारे विक्की भैया। तो हेलो बोल दीजिए भैया ऑडियंस को हमारी। हाय। और इन ये हैं हमारे ओनर जावा पेराग के। तो आज इस गाड़ी का रिव्यू होगा और देखते हैं कैसी गाड़ी है ये। तो मिलते हैं आगे। सो हियर इज़ द ब्यूटी। और ये काफ़ी रेट्रो बॉबर टाइप में लुक दिया हुआ है गाड़ी का। बॉबर ही है ये, लुक नहीं दिया हुआ है इसको। तो पहले एक वॉक अराउंड कर लेते हैं गाड़ी में। तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसकी पिछली सीट नहीं है। तो बॉबर में पिछली सीट होती भी नहीं है वैसे। तो देख सकते हैं जो सीट है आपकी, इसमें अटेंशन टू डिटेल इतना अच्छा है कि स्टिचेस दिखते हैं। और पेराग की यहाँ पे बैजिंग भी दी हुई है। और टेल लाइट आपकी ये दी हुई है सर्कल में। और ये LED लाइट्स हैं आपकी, जो पीछे आपका टेल लाइट है। और इधर पर कोई टेल लाइट नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्टर है आपका। और यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे से क्यूट से दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी चार्मिंग लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। और आगे आप बात करते हैं तो काफ़ी रेट्रो स्टाइल वाला जो आपका हैंडल आता था जावा का, पहले से हैंडल जो अंदर से निकलता है जावा के हेडलैम्प से, वो निकला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। टैंक पे आएंगे आप तो टैंक पे आपको दो स्ट्राइप्स दिखेंगी डबल डबल की। और तो ढक्कन पे आपको जावा की एम्बोज्ड रहेगा, जावा मोटरसाइकिल्स, और नीचे पेराग लिखा हुआ है। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। यहाँ पर आप ईंधन भरेंगे, पेट्रोल जो भरते हैं आप। यहाँ पे आपका ये स्विचेस पे आते हैं थोड़े बहुत। तो ये आपका पास स्विच है, पास स्विच मिलता है आपको, हाई बीम लो बीम मिलती है। और अभी पूछेंगे हम लोग को कि इसकी विजिबिलिटी कैसी है रात में। गाड़ी तो काफ़ी अच्छी है और स्विच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ स्विच चल रहे हैं, हॉर्न वगैरह। और यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है एक्स्ट्रा, देखते हैं क्या चीज़ है वो। तो स्विच लगा हुआ एक्स्ट्रा, देखते हैं अभी, पूछते भैया से। ये आपका किल स्विच है, यहाँ पर आपका सेल्फ है, कोई भी आपको लाइट बंद करने का ऑप्शन नहीं रहता है। हो सकता है लाइट बंद करने के लिए दिया हुआ है। स्पीडोमीटर पे आते हैं तो स्पीडोमीटर पे आपको टॉप स्पीड 160 तक दिखाई गई है। मेरे ख्याल से ये 140 भी भगा चुके हैं ऐसा कह रहे हैं, तो देखते हैं पूछते भी। और ये आपका फ्यूल मीटर है, फ्यूल गेज है, ये भी एनालॉग है। आपका स्पीडोमीटर भी एनालॉग है। और आपको एक डिस्प्ले दी जाती है जिसमें आपका ऑडियो चलता है। तो इसकी विजिबिलिटी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि 60 से लेके 100 तक की इसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम है। सही बात भी है क्योंकि ये छुप जा रहा है पूरा, लेकिन अगर आप नॉर्मली गाड़ी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। अंदर जावा की ब्रांडिंग दी गई है। और हेडलैम्प्स पे आते हैं तो हेडलैम्प्स आपके बल्ब वाले हेडलैम्प्स हैं इसमें, तो पावरफुल होंगे। हॉर्न की प्लेसमेंट देख लीजिए आप, बिल्कुल मिडल में दी गई है, तो काफ़ी लाउड एंड क्लियर हॉर्न होना चाहिए। उसको भी चेक करते हैं अभी। और आपका जो इंडिकेटर्स दिया हुआ है क्यूट से, वही वाले सामने। और सस्पेंशन की बात करें तो अपसाइड डाउन फोक्स दिए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा डिस्क दिया हुआ है, डुअल चैनल ABS इस गाड़ी में। बाइब्री कैलिबर्स हैं, बाइब्री बाय ब्रेम्बो। और स्पोक्स व्हील हैं, जो स्पोक्स मिलते हैं इसकी वजह से आपको इस पर ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते हैं, ये ट्यूब वाले टायर हैं। अगर आपकी गाड़ी पंचर हुई तो आपको खींचना पड़ेगा और टंकी तक आप नहीं पहुँच पाएंगे जल्दी। इंजन देख लीजिए, अभी इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक एक ही पेंट स्कीम में आती है जावा पेराग, वो यही है। और ऑयल कूल्ड गाड़ी है, इसमें कूलेंट पड़ता है, फ़ैन है, सब कुछ है। और ये काफ़ी पुरानी गाड़ी जैसी नहीं है, मतलब सिर्फ लुक में इसके पुरानापन है, बाकी गाड़ी बिल्कुल मॉडर्न है। ड्यूक से कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। और पीछे बात करें अगर व्हील की, तो आपको टायर का मिलता है 140/70/17, तो काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने वाला है, काफ़ी कर्व टायर है, यही स्पोक्स व्हील वाला इसमें भी मैटर है। तो दोनों वैसे टायर की जैसे होते हैं। आपको यहाँ पे टायर हगर जो मिलता है, मतलब मेडगार्ड जो मिलता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर क्या है वो देखते हैं अभी, क्योंकि मेरे को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है तो फ्यूल ये कवर दे रखा है यहाँ पे, बढ़िया। फ़ैन, रिफ्लेक्टर्स, इग्निशन देख लीजिए आप। इग्निशन ये ऑन और ऑफ करने के लिए इग्निशन है। हैंडल लॉक आपका नीचे दिया रहता है, तो एक साथ कुछ नहीं। और जावा की यहाँ इंजन में ब्रांडिंग मिलती है। टैंक पर आपको साइड में जावा की ब्रांडिंग दिखेगी। इंजन पर आते हैं तो हियर इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर। तो ये 334 CC का इंजन जावा की तरफ से, जो कि काफ़ी केपेबल है, काफ़ी अच्छा से चलता है, काफ़ी स्मूथ है, जो सुना है मैंने। अभी इसको टेस्ट करेंगे तो बताते हैं वो भी कैसा चल रहा है कैसा नहीं। 30 BHP ये गाड़ी बनाती है, 30 BHP और 32 Nm टॉर्क। तो काफ़ी परफॉर्मेंस वाला इंजन है, जिसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए मेरे ख्याल से 30 के आसपास। तो 300 CC में 30 के आसपास का माइलेज मिलना ही चाहिए, वो भी पूछते हैं। आप सोचते होंगे कि ये गाड़ी अपने सीट को कैसे झेलती है, तो इसमें सस्पेंशन आप देख सकते हैं इस तरीके से लगा रहता है पीछे का सस्पेंशन, और अगला आप जानते हैं कैसा है। तो सीट के नीचे काफ़ी अच्छे मजबूत लोहे से इसकी सीट की नींव दी गई है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है देखने में। इसको एक्सटेंड भी कराते हैं लोग, लेकिन अभी ये गाड़ी नहीं हुई है हमको स्टॉक, ये रिव्यू करने को मिल चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस पर जल्दी ही सीट आने वाली है,
वो भी हम आपको दिखाएंगे जब आएगी। तो अब इसमें देखते हैं इन डब्बों में क्या है। साइड वाले दो दो बॉक्सेस दिए गए हैं, तो इनसे देखते हैं क्या है और बताते हैं फिर आपको। तो इस पैनल के अंदर आपको सेंसर्स दिखते हैं गाड़ी की, ये काफ़ी वायरिंग्स वगैरह दिखती हैं, और उस साइड टूल किट्स हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं तो उसको नहीं खोलते हैं हम, और बस देखते हैं आगे। आपको नीचे इंजन गार्ड मिलता है ताकि नीचे ठोकरें ना लगें, और ये गाड़ी काफ़ी लो है मेरे ख्याल से, तो गाड़ी काफ़ी लो है नॉर्मल कम्यूटर्स के देखे जाए तो, लेकिन ये कम्यूटर है भी नहीं, बॉबर है तो इसके लिए बनता है, और काफ़ी चिपक के चलती है रोड पे। ये डुअल सिलेंडर गाड़ी नहीं है, लेकिन जावा में हमेशा से आता रहा है कि आप सिंगल सिलेंडर गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट देखते हैं, और एक बार एग्जॉस्ट का लुक देख लीजिए आप, मतलब जहरीले एग्जॉस्ट दिए हुए हैं बिल्कुल, मफलर का साइज़ देख लीजिए बिल्कुल है ही नहीं, और जैसे लगता है कि पाइप को साइड से काट दिया हो, स्लाइस कर दिया हो। तो एग्जॉस्ट नोट देखते हैं इसका, और बिना टाइम वेस्ट किए अब मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। तो ये विदाउट डीबी किलर्स है, और डीबी किलर के साथ आवाज़ इसकी थोड़ी स्मूथ आती है, लेकिन ये अभी काफ़ी लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है। बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बिल्कुल एनालॉग चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको इंजन चेक लाइट मिलती है, एबीएस जो ब्लिंक कर रहा है वो चलने बंद हो जाता है, और ऊपर चाबी का एक वो इंडिकेशन आता है, और कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ मैं, एक बार रिस्टार्ट हो जाए भी है। तो ऐसे करके वो बंद होती है और फुल स्वाइप मारेगी। बैटरी का एक सिग्नेचर मिलता है आपको, फ्यूल की मतलब कि कम हो रहा है करके, तो फ्यूल इसमें फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, मतलब कि रॉयल इनफील्ड से थोड़ी सी बेटर। हम लोग हॉर्न का साउंड भी सुन लेते हैं तब तक, जब तक कोई नहीं देख रहा है। बढ़िया। तो एक बार लुक देख लीजिए आप गाड़ी का फिर से, चेन ड्राइव है, और कंपैरिजन नहीं है इससे, कोई भी कंपैरिजन करना बेकार होगा, और हम घुसे जा रहे हैं झाड़ियों में, लेकिन ठीक है। तो ये खड़ी है पैराग, और देख लीजिए एक बार कैसी है कैसी है। तो चला के देखते हैं इसको और देखते हैं कैसा फील आता है। अरे भाई तो हैवी है यार, हम तो हल्का समझ रहे थे, बहुत दूर है बेचारी अभी। तो ये हम लोग चल रहे हैं पैराग पे अपनी, और जैसी ये गाड़ी अपने लुक्स के उसमें लगती है वैसी अपनी इंजन परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे को दूसरा गियर लगाते ही पता चल गया है, और ये गाड़ी बोल रही है कि मेरे को खींचो, लेकिन मेरे मुंह में शब्द नहीं बचे। तो पैराग को चलाते समय आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, ये एनालॉग डिस्प्ले आपको जो मिलता है, ये चीज़ सही है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो
काफ़ी अलग टाइप की है, क्योंकि इसमें 40 से लेके 80 तक आपको कोई भी स्पीडोमीटर वाला कुछ नहीं दिखता है। बाइक हैवी फील होती है, काफ़ी स्टेबल फील होती है, और डीबी किलर निकालने के बाद एग्जॉस्ट नोट जो आ रहा है एकदम चुम्मा आ रहा है। तो जो एग्जॉस्ट नोट आ रहा है वो चुम्मा आ रहा है, पता नहीं भी है अभी सेटअप कैसा था कैसा नहीं था। तो गाड़ी काफ़ी स्मूथ है सबसे पहले तो, और एक बार ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग 40 की स्पीड में हैं और पिछली ब्रेक मारेंगे। बहुत सही, तो भैया ने हमको बताया था कि इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छी हैं, तो ये चीज़ हमको महसूस हो चुकी है कि ब्रेक अच्छी हैं। इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एकदम खींचते ही उठ रहा है और मज़ेदार है बिल्कुल। 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है इसमें, 14 लीटर की टंकी है आपकी ये, और ये जो टंकी है ये इसमें जो कैप लगा हुआ है वो रिमूव हो जाता है बिल्कुल भी, बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है। तो पीछे देख लेते हैं, रेयर व्यू मिरर्स इसमें हटा दिए गए हैं, और एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है। बस ज़्यादा शब्द नहीं बचे मेरे को गाड़ी चलाते समय, मज़ा आ गया। बहु काली भाई, अबे चलाते समय शब्द ही नहीं बचे हुए हमारे पास। तो अब लोग हम लोग आ चुके हैं एंड की तरफ अपने वीडियो के, और अपनी खूबसूरत पेराक खड़ी हुई है यहाँ पे। इसका नाम वायरल है, तो इस वीडियो जल्दी से वायरल कर दीजिए आप लोग बिल्कुल इस गाड़ी की तरह। तो यहाँ पे हमारे ओनर साहब विक्की भैया, और यहाँ पे हमारे शिवम कुमार, तो इनका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करिए जाके। और भैया का इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम चलाते हैं अभी खासकर, यूट्यूब पे नहीं आए हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन तब तक इनका इंस्टाग्राम फॉलो करिए। पहला लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो इंस्टाग्राम का इन्हीं का होगा, उसके बाद मेरा होगा, उसके बाद इनका होगा। तो इनको भी सब्सक्राइब करिए, और कैसी लगी पेराग आपको कमेंट ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।